तो गाइस चेक करते हैं अभी कहाँ से फटा है वो, अंदर से ज़्यादा दिखेगा। ये है भाई, ये क्रैक आ रहा है यहाँ पे, तभी तो हवा नहीं रुक रही बिल्कुल भी। तो भाई देखो ऐसे होता है रिम का काम, पहले इसमें वेल्डिंग होती है उसके बाद घिसा जाता है इसको। लो भाई हो गया पूरा, मोहिनी का टायर फिट हो गया एकदम, अभी अच्छा भी लग रहा देखने में। ये है पिछला वाला टायर देख रहे हो, ये है आगे वाला टायर, मतलब भाई लुक इसका ना इनहेंस हो गया और ज़्यादा, भाई बहुत सेक्सी लग रहा है ये वाला लुक। है हमारी मोहिनी का टायर भाई, हीरो एक्सट्रीम भाई, पूरा अलॉय बैंड हो गया साइड से, फट गया मतलब बीच से ही फट गया, अभी इसका वेल्डिंग करानी पड़ेगी यार। तो भाई अभी पेट्रोल पंप पे आए हम लोग खुलवाने के लिए टायर को, क्योंकि भाई टायर खोल के ही लगाएंगे वो वेल्डिंग वगैरह इसमें। टायर देखो कितना बड़ा लग रहा है इस टाइम पे ना, है ना, बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आरसी वगैरह का टायर है वो, मशीन पड़ी इनके वास्ते पूरी भाई लोगों के पास। ये तभी तो बोला भाई ने, बस निकल गया अभी, अब पता चलेगा भाई अंदर से कितना फटा हुआ। देख रहे हो भाई ये फट गया भाई यहाँ से। आप बता दो तो गाइस चेक करते हैं अभी कहाँ से फटा है वो, अंदर से ज़्यादा दिखेगा। ये है भाई, ये क्रैक आ रहा है यहाँ पे, तभी तो हवा नहीं रुक रही बिल्कुल भी। तो भाई देखो ऐसे होता है रिम का काम, पहले इसमें वेल्डिंग होती है उसके बाद घिसा जाता है इसको। तो भाई ये है शॉप का नाम अजहर रिपेयरिंग वर्क्स, भाई यहाँ पे करा रहे हैं हम लोग अपना रिम सही, जो रिम फट गया था ना हमारा वो यहाँ पर जाके सही हो रहा है। ये पड़ती है भाई आपकी प्रिंस चौक से पिछली गली में पड़ता है, इधर वाइन शॉप है, वाइन शॉप के अपोजिट में गली है, उसी में दुकान का नाम है अजहर रिपेयरिंग वर्क, सारी गैस वेल्डिंग वगैरह होती है यहाँ पे। भाई देखते हैं, बताया तो भैया ने कि भाई वैलिडिटी वैसी रहेगी, ख़राब नहीं होने का टायर, ख़राब नहीं होने का आपका एलॉय, लंबे टाइम तक खिंच जाएगा। बाकी तो भाई यूज़ करने के बाद पता लगेगा कि काम कैसा करा है इन्होंने। तो भाई ऐसा हो गया कुछ हमारा एलॉय, तो भाई इसके लिए हमने लिया है ये स्प्रे पेंट, 100 रुपये का ये स्प्रे पेंट है, इसे मार के अपना पूरा एलॉय सही हो जाएगा। बाकी ये कपड़ा मारते हैं और इधर टायर टूट यहीं बिठवा देंगे, एक पंचर भी है ना टायर में हमारे। बाकी मेरा ये जो लगाया था मैंने, ये देखो जल गया है। चलो कोई नहीं, पर कलर हो गया करता ही लग रहा हो। तो गाइस भाई ये रहा हमारा टायर मोहिनी का, देख रहे हो भाई हमने स्प्रे वगैरह लिया, स्प्रे मारा इसमें भाई पूरा, मतलब पूरा बीच में से फट गया था टायर, तो भाई इसमें वेल्डिंग वगैरह करवाई हमने, टोटल खर्चा आया हमारा 450 रुपये का वेल्डिंग वगैरह करा के, एलॉय सीधा करा उन्होंने बस, उसके बाद हमने 100 रुपये का स्प्रे लिया और 100 रुपये लगाने के, और एक पंचर था हमारी गाड़ी में वो हमारे टायर में, तो मतलब टोटल हमारा जो खर्चा आया है 700 रुपये, 750 रुपये के आसपास आया भाई। जो अभी मतलब टायर तो ठीक ठाक हो गया हमारा, बाकी भाई लगाने के बाद दिखाएंगे एकदम धुल जब देंगे ना पूरा एलॉय वगैरह। तो पूरे मुँह पे तो चिपक रहा मेरे टायर, ये होंठों पे लग रहा है, होंठों पे चुप भी दे रहा है। बाकी भाई देख दो सजा रखा है, आज नवमी है ना, रामनवमी। तो भाई आज है नवमी, कल है दशहरा, तो भाई कल दशहरे में घूमेंगे। तो लो भाई टायर टूर पूरा धुल दिया हमने, अब आए हैं दीपक भाई हमारा टायर लगा रहे हैं देखो। बाकी हमने ये पीछे वो चिपकाया है, इसमें क्या बोलते हैं वाइटनर लगाया है, क्या मस्त लग रहा है देखो टायर, वो देखो उस वाले टायर में वाइटनर लगाया है, पूरा बढ़िया लग रहा है, है ना, पर पास से थोड़ा अजीब सा लगता है पर दूर से सही लगता है। तो भाई देख लो ऐसे ऐसे होती है टायर की फिर फिटिंग। लो भाई टायर चला गया अपना फिट होने, लो भैया चैन भी फिट हो गई है। लो भाई हो गया पूरा मोहिनी का टायर फिट हो गया एकदम, अभी अच्छा भी लग रहा देखने में, सही लग रहा ना। तो गाइस भाई एलॉय वगैरह मैंने सही करवाया था, पूरा टायर टूर फिक्स करवा दिया गाड़ी में, और मैंने भाई थोड़ा सा अपना काम भी करा, अपना जोमेटो में काम भी किया,
बाकी अभी मैंने टेस्ट किया गाड़ी को ना चला के, गाड़ी में कोई अभी ऐसा मेरे को इशू दिख नहीं रहा कि भाई वॉबलिंग वाला इशू तो नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई रिम बैंड हुआ था तो इतना इतना पैसा खर्चा आया था मैंने बता दिया था आपको, तो उन्होंने भाई रिम तो अच्छा करके दिया मेरे को, बाकी भाई मैकेनिक अपना ही है, उसने घर पे लगा दिया था टायर वगैरह, तो भाई सस्ते में निपट गया। बाकी मैकेनिक ने लिया भी नहीं क्योंकि भाई वो अपना किराए पे दुकान है ना उसकी मैकेनिक की, तो उसने पैसे भी नहीं लिए। मैंने बोला भाई ले ले यार, नहीं लिए उसने पैसे, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं खर्चा बच गया। अपने मैकेनिक का ये होता है भाई, छोटा मोटा काम तो फ्री में कर देते हैं लोग। बाकी भाई काम अच्छा हुआ है, और भाई जहाँ से वेल्डिंग कराई है ना एलॉय में, वो भी काम बढ़िया करा उसने, अभी तक तो ठीक है। बाकी उसने गारंटी भी ली, उसने बोला भाई अगर तुम गड्ढे पे नहीं कूदाओगे और हवा का थोड़ा सा ध्यान रखना, गड्ढे पे मत कूदाना, बाकी भाई एलॉय मस्त चलेगा आपके, सालों साल चलेगा। मैंने बोला चलो भाई वो तो ट्राई करके देखेंगे, बस देहरादून की सड़कें ऐसी है ना देखो कि भाई क्या करें, अच्छी अच्छी गाड़ियों की माँ बहन हो जाती है, चेक करो। यार बाकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी थी मैंने गाड़ी में, अभी दिखाता हूँ आपको कहीं उजाले में रोक के ना। टायर में मैंने वो लगाया था, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसे, वाइटनर लगाया था मैंने भाई, तो अच्छा लग रहा है टायर, और बल्कि सा लग रहा है लुक ना देखने में, जैसे कोई बड़ी बाइकों में आता है ना, बढ़िया लग रहा है टायर, जैसे कोई महंगा टायर होगा बहुत ज़्यादा। और शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो भाई दबा के भयंकर शादियाँ चल रही है, दबा के भीड़ हो रही है भाई मार्केटों में। ओए कतई जहर, यहाँ गाड़ी लगाता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ आपको टायर का कुछ लुक किस तरह का आ रहा है ना। तो भाई देखो ये है पिछला वाला टायर, देख रहे हो, ये है आगे वाला टायर, मतलब भाई लुक इसका ना इन्हेंस हो गया और ज़्यादा भाई, बहुत सेक्सी लग रहा है ये वाला लुक। बाकी भाई मैं बोलता हूँ आप लोगों को ना ये कराना चाहिए भाई, 30 रुपये का एक वाइटनर आता है, तो मैंने 2 वाइटनर लिए थे 60 रुपये के, बाकी भाई दोनों तरफ लगाया इधर भी और इधर भी, भाई मज़ा आ गया, और मज़ा आ गया भाई मतलब काम देख के ना, और मतलब छोटी सी मॉडिफिकेशन है पर भाई लगेगी नहीं आपको, छोटी सी मॉडिफिकेशन है पूरी गाड़ी का ना होलिया ही बदल देगा ये, करके ज़रूर देखना आप भाई, मज़ा आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत लगेगी, 2 वाइटनर लेने बस, खाली टाइम पे बैठ के टायर में रगड़ दो बस, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे MRF जहाँ जिस भी कंपनी का आपका टायर होगा वहाँ पे लिख दो, वहाँ पे वाइटनर चला दो भाई, मस्त लगेगा, कसम से बता रहा हूँ सेक्सी लगेगा। और बाकी भाई मैं गाड़ी को टेस्टिंग पे लेके आया था, अभी काम करते करते मैंने बोला टेस्टिंग भी हो जाएगी गाड़ी की, हवा भी अभी बरकरार है गाड़ी में, कोई हवा लीक नहीं हो रही है, और एलॉय मस्त चल रहा है, देखो कोई बबल वगैरह नहीं लग रहा है मेरे को गाड़ी में ईजिली। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, किसी के साथ भी हो जाती हैं भाई, क्योंकि भाई अगर आप लोग देहरादून से हो या आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो ना भाई, इंडिया में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलती है, खासकर देहरादून में भाई, देहरादून में बहुत गड्ढे हैं यार, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, भयंकर बरसात होती नहीं है, गड्ढे पहले निकल के आ जाते हैं, तो भाई किसी के भी साथ हो सकता है, बाकी घबराने वाली बात नहीं। अगर कोई बोले आपको कि भाई आपका एलुमिनियम वाला एलॉय है, तो भाई पूरा ही एलॉय नया मंगाओ, कुछ नहीं है भाई, हो जाता है वो भी सही, बस कोई बढ़िया सा मैकेनिक देखना, वेल्डिंग वगैरह कर देगा वो, अपना गैस वेल्डिंग होती है इस चीज़ के ऊपर, तो भाई बढ़िया करके दे देगा आप लोगों को टायर ना, तो बेफिक्र हो जाओ भाई अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो। बाकी भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और लुक बताना मोहिनी का कैसा लगा है, ठीक है।